गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो पेनल्टीज लगाई जाती हैं, उसके अंदर जो पेनल्टी लगाने का जो लिमिट होता है, उस लिमिट को गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन के तहत खत्म कर दिया है। एक तरीके से जब आपके ऊपर कोई भी ऑफेंसेस की पेनल्टी लगती है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक छोटी मोटी ऑफेंसेस के लिए भी आपको पेनल्टी जो है वो भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जीएसटी के प्रोविजंस हैं और जो बजट 2024 के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि बजट 2024 के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उसमें पेनल प्रोविजंस को स्ट्रिक्ट किया गया है एक तरफ, लेकिन एक प्रोविजन गवर्नमेंट ने जो डाला है उसके अंदर आपको प्रैक्टिकली ये समझ लेना है कि आपने अगर कोई छोटी मोटी गलती करी है जो इजिली रेक्टिफाइबल है, तो क्या वहां पर भी पेनल्टी जो है वो देनी होगी? क्या उसकी कोई समय सीमा है, या कोई ट्रांजैक्शन लिमिट, या कोई अमाउंट का लिमिट है या नहीं है? जैसे अभी स्टार्ट होने जा रहा है 16 अगस्त 2024 से जीएसटी फेक रजिस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, पेनलाइज करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव करने जा रही है गवर्नमेंट। अब उस स्पेशल ड्राइव में कई बार ऐसा रहेगा कि कुछ ऐसी गलतियां हैं या कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं जो इजीली रेक्टिफाइएबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके प्रीमाइसेस पर डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगा हुआ, या आपके दुकान के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ, दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। पनिशमेंट तो है, पेनल्टी लग सकती है, प्रोविजन है, लेकिन क्या ये ऐसी गलती है जो इजीली रेक्टिफाइएबल नहीं है? अगर हाँ, अगर है, तो यहाँ पर पेनल्टी लगाने की कोई भी लिमिट जो है वो नहीं रखी गई। आपको पेनल्टी यहाँ पर भरने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पेनल्टी से यहाँ पर बच सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसके प्रावधान, इनके जो प्रोविजंस हैं वो डिस्कस करके आपको ऑलरेडी बता रखे। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपको पेनल्टी लगाने के लिए, यानी कि जो पेनल्टी है उससे बचने के लिए आपको जो लिमिट्स ध्यान में रखने हैं, प्रैक्टिकली आपको किन बातों के अंदर चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं आए। आप चाहे सेक्शन 73 की बात कर लें, सेक्शन 74 की बात कर लें, या किसी भी एक सेक्शन की आप बात कर लें। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास जीएसटी के अंदर जो स्पेशल ड्राइव ये चल रहा है रजिस्ट्रेशन को लेकर, उसमें प्रीमाइसेस पर प्रॉपर ऑफिसर आते हैं और प्रॉपर ऑफिसर आकर के कहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। पोर्टल पर तो अवेलेबल है, लेकिन आपके प्रीमाइसेस पर नहीं है। तो वो क्या करते हैं, सेक्शन 125 में ₹25,000 CGST और ₹25,000 SGST की पेनल्टी जो है, यानी कि ₹50,000 की पेनल्टी लगा देते हैं। क्या ये पेनल्टी आपको लगनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 125 में लग तो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने साथ ही साथ ये प्रोविजन बना रखे हैं कि अगर आपने, यानी कि मान लीजिए ये कोई पार्टी है XYZ, अगर इसने ये वाला वायलेशन करा है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने नहीं लगा रखा, तो ये इजीली रेक्टिफाइबल मिस्टेक है। जब कोई मिस्टेक इजीली रेक्टिफाइबल होती है, जिससे कोई रेवेन्यू का नुकसान नहीं होता है, तो यहाँ पर कोई भी पेनल्टी जो है वो नहीं लगाना है प्रॉपर ऑफिसर्स को। ये बात लिखी है गवर्नमेंट ने प्रोविजंस के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो गवर्नमेंट ने ये बातें जो हैं एक्ट के अंदर ही आपको लिख करके बताई है। यहाँ पर आप देखेंगे, नो ऑफिसर अंडर दिस एक्ट, या फ्रेंड्स इस पूरे कानून में, शैल इम्पोज एनी पेनल्टी। आपको पेनल्टी जो है वो नहीं लगानी है, ये बात बोली जा रही है किनको? ऑफिसर्स को, फॉर माइनर ब्रीचेज ऑफ टैक्स और फॉर रेगुलेशंस और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगानी है फॉर माइनर ब्रीचेस ऑफ द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। अब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले नहीं करना, ये सिंपली और सिंपली एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, और ये एक ऐसा माइनर ब्रीच है जो इजीली रेक्टिफाइबल है, और इसमें कोई भी फ्रॉडुलेंट इंटेंट नहीं, इसमें कोई कोई मंशा नहीं हो सकती ना कि आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी कोई भी पेनल्टी जो है नहीं लगाई जा सकती। ऐसे प्रोविजंस गवर्नमेंट ने बना करके दिए। अब इसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी लिख दिया है कि माइनर ब्रीच का क्या मतलब होता है। माइनर ब्रीच ये होता है कि अगर आपका टैक्स इन्वॉल्व है 5,000 से कम, तो यहाँ तो टैक्स इन्वॉल्वमेंट की बात ही नहीं है।
तो यहां तो किसी भी सूरत हाल में पेनल्टी जो है वो नहीं लगनी चाहिए। तो ये आपको चीजें जो है वो समझनी होंगी कि किस तरीके से आप इन पेनल्टीज के प्रोविजंस के अंदर जो लिमिट्स गवर्नमेंट ने खत्म कर रखी हैं, इनकॉर्पोरेट कर रखी हैं प्रोविजंस के अंदर, उसको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर योर ओन सेफ्टी। इसी तरीके से अगर हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लें, तो यहां पर मान लीजिए आपके पास सेक्शन 73 की कार्रवाई चल रही है, आपके अगेंस्ट आया है कि आपका जो टैक्स डिमांड है वो है 1,000 रुपए का, और यहाँ पर पेनल्टी जो है सेक्शन 73 में वो लगा दी जाती है 10,000 रुपए। तो ये थोड़ा सा कंबरसम हो जाता है, हार्ड स्टेप हो जाता है सेक्शन 73 के अंदर। तो यहाँ पर आप सेक्शन 126 की मदद ले सकते हैं, या फिर आप इन जनरल प्रिंसिपल्स की मदद ले सकते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि माइनर ब्रीचेस को लेकर के आप पेनल्टी ना लगाएं, क्योंकि माइनर ब्रीचेस के लिए पेनल्टी नहीं लगा, और माइनर ब्रीचेस को गवर्नमेंट ने डिफाइन करा है कि अगर आपका टैक्स इन्वॉल्व 5,000 से कम है तो उसको हम माइनर ब्रीच में मान सकते। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक साथ के साथ ये भी प्रोविजन दे रखा है कि अगर पेनल्टी का जो नेचर है अपना वो अगर मैंडेटरी इन नेचर है, तो मैंडेटरी पेनल्टी के ऊपर आपको वेवर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये प्रॉपर ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ा गया है। लेकिन आप इस पॉइंट को लेकर के फाइट कर सकते हैं और चीजों को सामने रख सकते हैं ताकि आपकी पेनल्टी जो बेवजह की अमाउंट लगने वाली होती है वो एटलीस्ट आपको बचने को मिल जाए। तो इस तरीके से जब आप जीएसटी के प्रोविजंस के अंदर जाकर के चीजों को देखते हैं, तो आपको वहीं पर इनबिल्ट प्रोविजंस मिल जाएंगे कि पेनल्टी की लिमिट जो है वो कई केसेस में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी खत्म कर दी। और ऐसी ही एनालिटिकल वीडियोस और डीप रिसर्च के साथ अगर आप सारे प्रोविजन को सीखना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है ना जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर चेंजेस गवर्नमेंट करने जा रही है, तो आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि किस तरीके से आप उसको यूज करें। अगर आप लोगों ने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, जिसमें हम लोग ऐसे ही इन सेक्शंस की पूरी पड़ताल करते हैं, पूरा रिसर्च करते हैं, इसके ऊपर पूरा चीर फाड़ करते हैं, तो आप इंडिपेंडेंस डे ऑफर पर बेनिफिट ले सकते हैं, और उसका जीएसटी फुल कोर्स का बेनिफिट आपको 180 घंटे की क्लासेस के साथ विथ 1 ईयर वैलिडिटी जो है वो मिलता है। अगर आप टैली के अंदर काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका टैली जो है वो पूरा टीडीएल्स के थ्रू आपने ऑटोमाइज अगर करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको बहुत मेजर बेनिफिट दिया जा रहा है। सारे के सारे जितने भी टीडीएल्स अवेलेबल हैं, चाहे वो आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन हो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो, बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल कर दिए गए हैं, मात्र और मात्र 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज पर टीडीएल के हिसाब से आप जो है डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट के अंदर टीडीएल्स को ले सकते हैं 15 अगस्त 2024 तक। ये ऑफर्स वैलिड हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।